सर असी जिन्हें भी कलाकार है लगभग मैनू ला लो तुसी, मैं जो सिक्स दे विच पढ़ता सी, छेवीं दे विच मैं पढ़ता सी, उदों मैं इस रामला मंच दे नाल जुड़िया होया ते अज तक मेरे बच्चे भी जिहड़े है रामला दे विच आ रहे ने। हुण तुसी आप हिसाब लगा लो मेरी उम्र जिहड़ी है 35 साल दी हो गई है। पब्लिक नूं मेरी अपील यही है कि आप आओ, आपके बच्चों लियाओ कि साडा देश की सी, साडी संस्कृति की सी, उन्होंने पता चले ये पबजी, ये मोबाइल, ये जिहड़ी गेमां ने, यह साडी संस्कृति नहीं है, साडी संस्कृति है। तो बच्चों जो तुम इस पास मोड़ोगे तो उन्होंने कुछ पता चलेगा भी साढ़े कर्तव्य की ने, फिर साढ़े फर्ज की ने। तो मैं यही कहना अपील कि अपने बच्चों लियाओ, उन्होंने समझाओ कि रामलीला साडे सभ्यता का अंग है। ये तो एक ऐसा समुंदर है जिस दे विच के वारी 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 नाम ते दिल करता है, कथा सुनन ते दिल करता है। बेनती करांगा अजकल दे समय जिहड़ा आपां टीवी मोबाइल च ज़्यादा रुझ चुके हैं, सो जिथे भी थोड़े शहर जिथे भी रामलीला हो रही है, सो वध तों वध पहुँच के श्री रामलीला रामलीला मंच ते पहुँच के श्री रामलीला देखण दी कृपालता करो। सानू अपनी संस्कृति बचाने वास्ते बहुत कुछ करना पेगा, उपराले करने पैणगे। आपां इह रामलीला जिहड़ी है वी काफ़ी सालों तो असीं बचपन तो वेखदे आ रहे हां, ते इस साल वेख रहे हां वी रिहर्सल दे विच इन्ना जोश है, तां रामलीला जदों शुरू होएगी तां बहुत रिस्पोंस मिलेगा। असीं नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इसमें मौजूद हूँ फाजिलका की घास मंडी में, श्री सेवा समिति रामलीला जो कि 3 तारीख से शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन फाजिलका में शुरू होगा। फाजिलका में हर साल रामलीला आयोजित की जाती है, लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का काम श्री सेवा समिति सभा द्वारा किया जाता है। इस बार भी रामलीला जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी रिहर्सल का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रामलीला का मंच है, ये मंच 3 अक्टूबर को खुलेगा और 10 दिन तक रामलीला होगी, जिसकी लाइव कवरेज हम आपको आरबी लाइव मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। हर साल लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का ये काम श्री सेवा समिति रामलीला के सदस्य करते हैं। फाजिलका में हर साल ये रामलीला मनाई जाती है। पिछले साल कोरोना काल के चलते रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इसकी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है और धूमधाम से यहाँ पर दशहरे का महोत्सव मनाया जाएगा। 9 दिन तक रामलीला होगी और 10वें दिन यहाँ पर दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। तो बातचीत करते हैं रामलीला कमेटी से और देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, किस तरह का मंचन इस बार होएगा रामलीला का? इस बारी आशा तो बहुत उच्चा होगा, क्योंकि इको ही रामलीला अजे तक शुरू हुई है, करोना करके पिछले साल तो हो ही नहीं सी इत्थे, ते इस बारी मतलब कलाकारां विच भी जोश है। तो ये ठीक है कि असीं कुछ लेट तो होए हैं, क्योंकि इससे सीगे माहौल करके कि भी करोना करके करिए ना करिए, लेकिन कलाकारां दे जोश नूं देखदे होया सानू मतलब उन्हां दा अखां मनना पिया और असीं मतलब रामलीला कर रहे हैं। किन्नी तरीक तो रामलीला शुरू होएगी? रामलीला जी मेरे ख्याल 3 तरीक तो करनगे शुरू, ते उस तो बाद दशहरे तो बाद दूजे दिन मतलब राज तिलक करते हैं। ये साडी रामलीला दा मतलब जिहड़ा ने सब तो पुरानी रामलीला फाजिलका दे विच मन्नी परमन्नी चोबे वाली रामलीला नूं कहिंदे सीगे, बाकी जिन्नियां भी फाजिलका रामलीला हैगियां वो सारियां इसे दीआं ब्रांचां इत्थों ही निकलियां होईआं। पिछले किन्ने साल तो रामलीला दा मंचन कीता जा रहा है? मतलब 85 साल, पिछले 2 साल पहले 85 साल हो गए सी। 87 साल की संदेश मिलता है लोगों को रामलीला दे राही, किस तरह का प्रयास तुहाडी संस्था जिहड़ी सेवा समिति सभा हैगी है उहदे वल्लों कीता जा रहा है? देखो जी, साडी सेवा समिति सभा रजिस्टर्ड ये फाजिलका तो सब तो पहले रजिस्टर्ड बाडी है, उस तो बाद साडे कोले दशहरा ग्राउंड भी सीगा जिथे अजकल मतलब जिहड़ा है ना कि बन गया कोर्ट कंपलैक्स, ते ये रामलीला मंच है साडा। सब तो पहले साडे हिंदुआं दे भगवान राम पूजे हैगे और उन्हां दे आदर्शां ते ही चलन की कोशिश भी करते हैं,
यह तो एक जहा समुंदर है जिस दे विच के वारी 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 नहाते दिल करता है, कथा सुनने ते दिल करता है। हालांकि जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, जो राधे श्याम जी ने लिखी है, जो संत सिंह ने लिखी है, वो पढ़द्या सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन पढ़ी जाती है क्योंकि अच्छी लगती है। साढ़े अखा भी अच्छी लगती है, साढ़े दिमाग में भी अच्छी लगती है, कन्न उन्होंने सो विचार सुनना चाहते हैं जी। तो हाँ जी काली जी की कहोगे किस तरह के नाल इत्थे अज इस वारी रामलीला का मंचन होएगा और किस किस तरह का पाठ किया जाएगा? मैं हंसमुख नारंग उर्फ काली रावण श्री सेवा समिति रामलीला मंच तो एक छोटा जहा कलाकार सेवादार। इस बार कोविड-19 करके 2 साल साड़ी रामलीला नहीं हो सकी, तो इस साल जी असी रामलीला कर रहे हैं सारे शहर वासियों सहयोग नाल, साडे डायरैक्टर जी विनोद जी, साडे प्रमोटर जी, इन्हों का आशीर्वाद, सारे बच्चे, सारे कलाकार और सेवा समिति और श्री आदर्श रामलीला कमेटी के सारे मैंबर मिल के श्री घास मंडी दर्शी असान समिति रामलीला मंच से जी रामलीला होने जा रही है। ये रामलीला जी है प्रभु श्री राम जी का संदेश है शहर वासियों पूरे दुनिया कि भरावान का प्यार, परिवारिक संस्कार और इस रामलीला तो रामायण का जो पार्ट ने जो भी पार्ट करता करता वो उस पार्ट पूरी तरह उतर के करता और उस पार्ट का अदा करते करते उसके जीवन की अच्छाइया बुराइया सब सामने आ जाए। मैं पब्लिकली सारे देशवासियों बेनती कराँगा अजकल समय जो आप टीवी मोबाइल ज़्यादा रुझ चुके हैं, सो जिते भी थोड़े शहर जिते भी रामलीला हो रही है, सो वध पहुँच के श्री रामलीला रामलीला मंच से पहुँच के श्री रामलीला देखने की कृपालता करो। धन्यवाद, जय श्री राम। रिहर्सल का काम चल रहा है, रामलीला का मंचन कदों तो शुरू होगा? रामलीला रिहर्सल जी साढ़े 4 दिन तो शुरू हो चुकी है, जी रामलीला मंच जरा 3 तरीक तो शुरू हो जा रहा है, 3 तरीक तो अभी रामलीला शुरू कर जा रहे हैं और 10वीं का साडा दशहरा है, वह भी अभी खूब धूमधाम के नाल हर साल की तरह इस साल भी श्री पूरे शहर वास सहयोग न मनावे। तो ये थे फाजिलका के कलाकार जो कि रामलीला के मंच पर कभी रावण तो कभी किसी दूसरे रोल में नजर आते हैं, हसमुख नारंग जिन्हें काली रावण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें जानकारी दे रहे थे कि 3 तारीख से रामलीला का मंचन शुरू होगा। तो बातचीत करते हैं रामलीला के और अन्य सदस्यों से और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। ये बंसी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी जी, किस तरह की रामलीला इस बार की जा रही है? साडा प्रयास है कि इस बार असी बहुत वधिया संदेश जिहड़ा है पब्लिक विच दईए कि भगवान रामचंद्र जी का चरित्र साडी संस्कृति ते साडी सभ्यता दे नाल साडे जिहड़े आने वाली पीढ़ी है जिहड़े जवाक वह चंगी तरह परिचित हो सकन, क्योंकि जिहड़ा है कि अज बच्चों के पबजी होई तो मोबाइलों वाले जिहड़ा रुझान है उसनों थोड़ा जिहा घटा के तो अपनी संस्कृति वाल मोड़िया जाए। यह रामलीला साडा एक संस्कृति का अंग है, जब तक यह चलती रहेगी और तक साडी संस्कृति जिंदा है। जे रामलीला अगर बंद होगी तो आप कितों जाके अपने बच्चों को संदेश देंगे कि अजकल बच्चे टीवी पर तो कोई देखते नहीं गए कि एक वेला सीगा जो असं रामायण वेखिया सगियाँ, अद्धे बच्चे टीवी नहीं वेखते, मोबाइल पता नहीं की वेखते हैं की करते हैं, उन्होंने नैगेटिव जोड़े नतीजे ने वह भी साढ़े सामने आ रहे हैं। तो मैं चाहना हाँ कि जी सा प्रयास है वह पब्लिक के सहयोग न ही सफल होगा, तो पब्लिक मेरी अपील यही है कि आप आओ आपके बच्चों लियाओ कि साडा देश की सी, साड़ी संस्कृति की सी, उन्होंने पता चले ये पबजी ये मोबाइल ये जी गेम ने यह साड़ी संस्कृति नहीं है, साड़ी संस्कृति है। जे बच्चों तुम उस पास मोड़ोगे तो फिर बच्चों ने वॉयलेंट ही होना है, तो बच्चों को जो तुम इस पास मोड़ोगे तो उन्होंने कुछ पता चलेगा भी साढ़े कर्तव्य की ने कि साढ़े फर्ज की ने। तो मैं यही कहना अपील कि अपने बच्चों को लियाओ, उन्होंने समझाओ कि रामलीला साढ़े सभ्यता का अंग है जी। तो ये थे सेवा समिति सभा के कलाकार जो हमें जानकारी दे रहे थे। अब अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि रामलीला का जो रिहर्सल किस तरह से की जाती है, रामलीला के जो कलाकार है वो मंच पर किस तरह से रिहर्सल करते हैं और किस तरह की यहाँ पर रिहर्सल इस समय चल रही है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरह की रिहर्सल यहाँ पर चल रही है। फाजिलका से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, RB लाइव मीडिया के माध्यम से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आखिर यहाँ पर रिहर्सल का काम चलता है और किस तरह से रामलीला की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जो कि फाजिलका के लिए एक गर्व की बात है। लोगों को धर्म और संस्कृति के साथ जोड़ने का ये प्रयास श्री सेवा समिति सभा द्वारा किया जा रहा है। ये सभी कलाकार हैं जो यहाँ पर स्टेज पर विराजमान है और इनके द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है, रिहर्सल की जा रही है, डायलॉग बोलने की तैयारी जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। किस तरह की तैयारी चल रही है? सब तो पहले जय श्री राम जी।
हुण असीं करन जा रहे हां जी रिहर्सल दे विच अज असीं जो नाइट करन जा रहे सीगे उहदे विच केकई जी ते दशरथ जी दा जो पार्ट अगे चल रहा सीगा ते अपने एमरजेंसी आ गई थोड़ा जिहा दशरथ जी जिहड़े सी उहनां नूं जाना पै गया ते असीं हुण उहनां नूं वेट कर रहे हां जस्ट उह आ रहे ने उस तों बाद असीं जो है रिहर्सल शुरू कर रहे हां जी। किस तरह दा इस वारी मंचन होएगा और की नवां कीता जा रहा? इस वारी सर तुसीं मन के चलो जी एड्डी कोई जबरदस्त राम जी दी लीला होनी है ते आपां बयान ही नहीं कर सकते जी क्योंकि साढ़े जिन्हें भी कलाकार ने मैनेजमेंट है सहरिया के बहुत ही जबरदस्त इस टाइम जो है राम जी को लैके जो अयोध्या के मंदिर बनया उस दी खुशी दे विच सानू इन्ना कु उत्साह है भी हिंदू धर्म को अगे ले जाने वास्ते मतलब इन्ना कुछ किया जा रहा तो असं वो योगदान दे रहे हैं। फाजिलका दे विच लगभग 100 साल पुरानी अपनी रामलीला हैगी है जिदे विच सारे जिन्हें भी कलाकार है मैनेजमेंट कमेटी है साड़ी बहुत ज़्यादा असी इस लैके डेडिकेट है ते इस साल तुसी मान के चलो भी आपां दिल्ली वाली नूं छड़ दिए क्योंकि वो बहुत हाई लेवल दी आ उस तों बाद दूजा नंबर साडा ही है सर। किन्ने कलाकार तुसी इस संस्था दे नाल जुड़े हो और किवें पूरी इस व्यवस्था कीती जांदी है ए इहदे बारे जानकारी? सर असीं जिन्ने भी कलाकार हैगे आ लगभग मैनू ला लो तुसी मैं जदों 6th दे विच पढ़दा सी 6वीं दे विच मैं पढ़दा सी उदों मैं इस रामला मंच दे नाल जुड़िया होया ते अज तक मेरे बच्चे भी जिहड़े है रामला दे विच आ रहे ने हुण तुसी आप हिसाब लगा लो मेरी उम्र जिहड़ी है 35 साल दी हो गई है जी। जी धन्यवाद। तो अब यहां पे दर्शक भी मौजूद है जी, की नाम तुहाडा? गौरव कुमार जी। गौरव कुमार जी की कहोगे? मैं यही कहांगा जी भी आपां ये रामलीला जिहड़ी है भी काफ़ी सालों तो असीं बचपन तो वेखदे आ रहे हैं ते इस साल वेख रहे हैं भी रिहर्सल दे विच इन्ना जोश है तो रामलीला जदों शुरू होएगी तो बहुत रिस्पोंस मिलेगा। असीं ये चाहते हैं भी दर्शकों तो अपील करने भी हुण ज़्यादा तो ज़्यादा संख्या दे विच आके रामलीला नूं वेखण ते लुत्फ उठाण भी जो एक तो खुशी है राम मंदिर बन रहा अपना ते राम मंदिर की खुशी ये है भी हुण रामलीला एक तो कोविड करके 19 तो बाद वीच नहीं हो पाई ते कोविड हिदायतां भी आपां नूं वरतनियां चाहीदियां दर्शकों नूं। कलाकार तो नहीं आपां मास्क यूज़ कर सकते लेकिन जिहड़े दर्शक है वो मास्क जरूर यूज़ करन ते सोशल डिस्टेंसिंग भी रखन ते यही उम्मीद करांगे भी दर्शक ज़्यादा तो ज़्यादा पहुँचन ते साडी उम्मीद यही है भी असी भी रामलीला नाल जुड़े हाँ बचपन तो जुड़े हाँ कुछ रोल कदे किते भी ने ते अगे भी जे मिलेगा तो करांगे भी बाकी यही यही प्रयास है भी रामलीला हमेशा होवे ते चलदी रहे। जय श्री राम जी। जी धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है तो इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी की ना है? सुरेश वर्मा जी। सुरेश जी किन्ने सालों तो तुसी इत्थे आ रहे हो और किस तरह का इत्थे आयोजन होंदा इहदे बारे जानकारी? इस तरह जी जिहड़ी सेवा समिति रामलीला है जिन्हों आपां फाजिलका दे विच चोबे वाली रामलीला भी कहने गए हैं लगभग 80 साल तो सेवा समिति रामलीला डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के नंबर 1 रामलीला आयोजन होंदा रहा है। मैनू ये रामलीला विरासत च मिली है मेरे फादर साहब बजुर्ग मेरे जिहड़े ने रामलीला च रोल करते आ रहे ने चोबा जी दी उन्हां दे डायरेक्शन दे विच असी रामलीला दे विच आए सीगे। असी रिहर्सल शुरू कर चुके हैं पिछले साल जिहड़ी कोविड करके रामलीला नहीं हुई उहदा सानूं बड़ा दुख हैगा ते हुण असी जिहड़ी रिहर्सल शुरू कर दित्ती हैगी है। बाकी प्रशासन तो सरकार तो मंग है भी असी कोशिश कर रहे हैं भी इजाजत मिलन दी रामलीला करन दी परमिशन दी ओ मतलब के भी हिंदू धर्म दे विच इस चीज़ की आना करनी किस वास्ते इनकी परमिशन देनी चाहिए है। कोविड-19 के पता नहीं किन्ने काम हुए ने। हाँ सेवा समिति रामलीला सोशल डिस्टेंसिंग रखेगी मास्क का लोगों को कहा जाएगा भी मास्क लगा के आन रामलीला वास्ते परमिशन देनी चाहिए हैगी है। सेवा समिति रामलीला एक होर प्रार्थना करती है भी अज जिहड़ी नवी जनरेशन हैगी है उन्हां दे विच हिंदू धर्म जिहड़े अपना इतिहास हैगा उनके प्रति लोगों के बच्चों के जागरूकता नहीं हैगी उन्होंने इतिहास बारे नहीं पता बच्चों इतिहास बारे दसना अपनी संस्कृति हिंदू धर्म की संस्कृति बचाना अज बड़ा जरूरी है। इस करके मेरी बेनती है फाजिलका दे विच जिन्हें भी स्कूल ने मेरी तुहाडे माध्यम राही मैं मेरा संदेश पहुँचाना चाहना भी जिन्हें भी स्कूल के प्रिंसीपल ने उन्होंने जिहड़े संचालक ने उन्होंने बेनती करांगा भी स्कूल के बच्चों को लैके रामलीला दे विच जिवें रेलवे स्टेशन विखाने वास्ते लैके जाते ने रेलवे स्टेशन तो सदा ही रहेगा जे हिंदू संस्कृति नहीं बचेगी बच्चों संस्कार नहीं मिलेंगे
फिर तुसी बच्चे संस्कार किवें लियाओगे? ये पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होता जा रहा है। आप जो रामानंद सागर जी की रामलीला का मंचन होया सीगा वो वेख्या सीगा आपां, उस तो बाद लोगों ने भव्य दे विच आपां वेख्या सीगा बाजार दे विच सड़क सुनिया हो जांदियां सीगियां, लोग आपदे टीवी दे अगे धूप अगरबत्ती जगा लैंदे सीगे, इन्ना प्रेम प्यार सीगा। अज वो प्रेम खत्म क्यों होंदा जा रहा है? सानू अपनी संस्कृति बचाने वास्ते बहुत कुछ करना पेगा, उपराले करने पैणगे। मैं सरकारां दा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहांगा जो संस्कृति हिंदू संस्कृति नूं बचाने वास्ते उपराले कर रहे ने सेवा समिति रामलीला दा, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद कर दीए। तो उही गल मैं फिर दोहरावांगा, सारे जिहड़े स्कूल प्रिंसीपल ने जिहड़े मैंबरस ने वो आपदे बच्चों रामलीला दे विच लै के जरूर आन, ताकि संस्कृति बची रह सके। जिहड़ी सेवा समिति रामलीला है 3 अक्तूबर नूं शुरू होने जा रही है, तो फिर बेनती है भी जरूर जरूर रामलीला का मंचन वेखो, अपनी संस्कृति नूं बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे सुरेश वर्मा जो हमें जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कि जागरूकता बेहद ज़रूरी है, अगर अपनी युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देनी है तो उनमें जागरूकता लानी बेहद जरूरी है। फाजिल काकी श्री सेवा समिति सभा का यह दृश्य है, जहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। We'll be right back.